हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विष्णु क्लासेस। विष्णु क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड कक्षा 8 के गणित की किताब का सॉल्यूशन के इस सीरीज में अभ्यास 1A से अभ्यास 1E तक पहुंच गए हैं। अभी तक आप लोगों ने अभ्यास 1A से लेकर अभ्यास 1D तक सॉल्व कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं अभ्यास 1E। आइए शुरू करते हैं अभ्यास 1E। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। जो सत्य है इसमें से बताना है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहले का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। बताना है कि सत्य है कि असत्य है। यहां पर देखिए, सत्य असत्य इसमें क्या करना है कि अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और हर को हर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 - -3 कितना हो जाएगा, -6 डिवाइड बाई -5 - 4 क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20 यानी कि -20। अब देखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, -3 × 2 क्या हो जाएगा, -6 डिवाइड में 4 × -5 कितना हो जाएगा, -20। आप लोग देख सकते हैं कि अब आप लोग देखिए, बायां पक्ष यानी LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये -6 / -20 एंड -6 / -20 दोनों बराबर हैं, इसलिए यह सत्य हुआ। इसलिए क्या हुआ, सत्य हुआ। फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको भी बताना है कि सत्य है कि असत्य है। यहाँ पर आप लोग देखिए, -2 / 1/5 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ। तो -2 × 1 क्या हो जाएगा, -2 फिर 3 × 5 क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है इसलिए मल्टीप्लाई, -2/7। अब अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, -2 × -2 क्या हो जाएगा, -4 माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए 4। अब 15 × 7 क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब आइए इस साइड का सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे -2/3 क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्टक हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 × -2 क्या हो जाएगा, -2 5 × 7 ये क्या हो जाएगा, 35। अब अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूमरेटर × न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 = 4 और -± प्लस तो +4 आ जाएगा। 3 × 35 डिनोमिनेटर में है यानी हर में है, तो हर को हर के नीचे हर में ही लिखेंगे, 3 × 35 क्या हो जाएगा, 105। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आया है आंसर और ये जो आया है आंसर, दोनों पक्ष बराबर है, बायां और दायां पक्ष बराबर है, इसलिए यह क्या हो गया, सत्य। यह भी सत्य हो गया, आंसर सत्य। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले का थर्ड क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 3/4 × -5/7 ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। अब देखते हैं सॉल्व करके कि ये क्या परिमेय संख्या नहीं है। तो 3 का -5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, -15
डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 7 कितना जाएगा 28। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जो P बाई क्यू के रूप में हो एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो, ये होती है कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए Q यानी हर यहाँ पर जीरो नहीं है, हर जीरो नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, इस वजह से यह क्या हो गया असत्य। ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है लेकिन यह तो परिमेय संख्या है, तो इसलिए असत्य हो गया ये। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अभ्यास 1E को सॉल्व कर रहे हैं, आइए पहले का चौथा क्वेश्चन अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा बायां पक्ष, बायां पक्ष, और ये हो जाएगा दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं और दोनों अगर सेम आता है ये, तो क्या हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग ये नहीं कह सकते ये सत्य है कि नहीं, पहले आंसर निकालते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं बायां पक्ष। 7/-8 -5/6 ये ब्रैकेट है इनटू 3/4 क्या हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 24 एलसीएम, 8 3 = 24, 8 से 24 में डिवाइड करेंगे 3 times एंड 3 से अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 -21 -6 से 24 में डिवाइड करेंगे एंड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 तो 20 आ जाएगा, ये आ गया मल्टीप्लाई 3/4। इसको जोड़िए प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा -41/24 मल्टीप्लाई 3/4। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे अंश का अंश के साथ, 41 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 and 12 (123/24 = 96) ये आ गया बायां पक्ष। अब आइए इसी का दायां पक्ष सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 7 3 = 21 और 8 4 = हर का क्या है 8 4 = 32 -32 माइनस सामने आ जाएगा और माइ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस लिख दीजिए और 5 3 = अंश का अंश के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 15 और 6 4 = हर में 24 का और 32 का एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 96 32 से 96 में डिवाइड कीजिए 3 से 21 में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 63 माइनस 24 से 96 में डिवाइड कीजिए 4 times और 4 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 60। अब प्लस कर दीजिए दोनों को 63 and 60 और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो -123 डिवाइड बाई 96। अब आइए देखते हैं दायां पक्ष कितना आ गया -123/96 और बायां पक्ष कितना आया था, बायां पक्ष देख लीजिए -123/96
96, दोनों अगर बराबर आ गए तो ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया, सत्य हो गया, सत्य हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको क्या करना है, गुणा की क्रिया करके सत्यापित करना है कि यह बराबर है कि नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बायां पक्ष, बायां पक्ष पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद दायां पक्ष सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों का आंसर बराबर आता है कि नहीं आता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। बायां पक्ष क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कुछ कैंसिल होता है कि नहीं, कटता है कि नहीं, तो 2 से 8 कट जाएगा, कितनी बार में 4, और क्या बचेगा, -11, अंश में -11 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, -11 डिवाइड बाई हर में देखिए 7 × 4 कितना आ जाएगा, 7 × 4 = 28, यह आ जाएगा बाया पक्ष। अब दाया पक्ष सॉल्व करते हैं, दाया पक्ष इसमें भी देखिए कैंसिल कुछ हो रहा है, 2 × 4 = 8, क्या बचेगा अंश में, -11, 7 × 4 = 28। तो इस तरह हमने देखा कि दाया पक्ष और बाया पक्ष बराबर आ गया, दाया पक्ष बाया पक्ष बराबर आ गया, इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो ये क्या हो गया, सत्यापित हुआ, क्या हो गया, सत्यापित हुआ, ये लिख देंगे सत्यापित हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको भी सत्यापित करना है कि यह दोनों बराबर है, इसको क्या मान लेंगे, बायां पक्ष पहले सॉल्व करेंगे, फिर दायां पक्ष सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों क्या बराबर है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो बायां पक्ष सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा, उसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 3 = 15 और 3 से 3 = 9, 3 × 3 = 9, अब जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अंश में -8 और 5 बचा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, -40 बाई नीचे 3 और 17 = 51, 17 × 3 = 51, तो क्या आ गया, -40 / 51। अब दायां पक्ष को सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 3 से 3 = 15 और 3 × 3 = 9, इसको क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचा, 5 और -8 क्या आ जाएगा, -40 डिवाइड बाई 17 और 3 क्या हो जाएगा, 51 मल्टीप्लाई करेंगे तो 51। आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, जब बराबर हैं तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिखेंगे, यह अतः हो जाएगा, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष ये सत्यापित हुआ, लिख देंगे सत्यापित हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास 1A से लेकर अब तक अभ्यास E तक पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जाकर प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कैलकुलेशन इजी होगा और आपकी गति भी बढ़ेगी, सॉल्व करने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। अब आइए दूसरे का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन और इस साइड दोनों
ये इसको मान लेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद दायां पक्ष सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके सत्यापित करेंगे। आइए करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि क्या दोनों पक्ष बराबर है। बायां पक्ष सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा। तो सबसे पहले बड़ा जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 2 से 4 कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स। अब क्या बचेगा यहाँ पर, ये इसको एज इट इज रख लेंगे, -8/7 मल्टीप्लाई, पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसमें क्या बचा आंस में 1 और 2, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 का तो 2, और माइनस है तो माइनस, एक बार है तो इसलिए माइनस, और हर में क्या बचेगा ओनली 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 और -2, दोनों दो बार माइनस है तो दोनों बार ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 8 2 16 / 7 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 16/21 आ जाएगा। अब इसका दाया पक्ष सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 4 8 एंड अब अंश में क्या बचेगा 4 माइनस के साथ और हर में 7, इसको और ये जो है वैसे ही के वैसे रख देंगे -4/3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 16/7 3 21 21। अब दायां पक्ष 16/21 और बायां पक्ष भी 16/21 आ गया, तो क्या हो जाएगा दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, क्योंकि ये दोनों मिलके 16/21 आया, इसलिए ये दोनों पक्ष बराबर हो गए और यह सत्यापित हो गया कि यह सही है, सत्यापित हुआ, लिख देंगे सत्यापित हुआ। इस तरह सेकेंड क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आप लोगों को प्लेलिस्ट पूरी कक्षा 8 की गणित की किताब का अभ्यास ए से अभ्यास ई तक जितने भी आने वाले वीडियो भी हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग जाकर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों के पास पहुँचती रहे और आप लोग बिना किसी शुल्क के आप लोग प्रैक्टिस और पढ़ाई कर सकें। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास 1E, अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्नांकित में रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। इसमें रिक्त स्थान भरना है और प्रगुण कौन सा प्रगुण के अनुसार ये आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ये भी बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 2/11 मल्टीप्लाई -3/7 इक्वल टू -3/7 और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि -3/7 और -3/7 ये दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, तो ये 2/11 ये भी दोनों तरफ आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो भरेंगे वह क्या हो जाएगा 2/11। ये कौन सा प्रगुण है, इस प्रगुण का नाम है क्रम विनिमय, विनिमय प्रगुण, प्रगुण जब दोनों तरफ a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, जब दोनों तरफ
सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो तो वह क्रम निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता कि आप 3 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, डिपेंड नहीं करता कि 3 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं या 2 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। इस नियम पर ये क्वेश्चन का आंसर 2/11 भरा जाएगा। ये यहाँ पर तीसरे का सेकेंड क्वेश्चन, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें अब यहाँ पर मैच करेंगे क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष ये कह रहा है कि बराबर है। यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह लगाया, इसका मतलब दोनों पक्षों की तरफ समान परिमेय संख्या होनी चाहिए। इस तरह देखते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या गायब है। तो हम लोग देख सकते हैं 3/-2 यह दोनों तरफ है, देख लीजिए 2/3 ये नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 भर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर कौन सी परिमेय संख्या गायब है, ये यहाँ पर भरी जाएगी क्योंकि -11/3 यहाँ पर नहीं है, इस साइड इस बायां पक्ष में गायब है, इसलिए -11/3 भर देंगे। तो ये अब पूरी तरह भर चुका है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो ये इस प्रगुण को क्या कहते हैं, साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। ये क्या कहता है, ए में बी इंटू सी का मल्टीप्लाई कीजिए या फिर ए इंटू बी में सी का मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो यह साहचर्य प्रगुण है, बायां पक्ष भी उतना ही होना चाहिए और दायां पक्ष भी उतना ही होना चाहिए, इसी नियम पर आधारित है यह क्वेश्चन। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरे का थर्ड क्वेश्चन, -5/7 इस साइड भी -5/7 दिया हुआ है, 2/7 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो 2/7 यहाँ पर भर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7 प्लस बीच में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इसके साथ जाएगा 2/7, ये तो आ गया। अब -5/7 4/7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। इस नियम को क्या कहते हैं, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ बराबर आ गया। अब इस नियम को वितरण प्रगुण कहते हैं, वितरण मतलब वितरित करना, प्रगुण वितरण प्रगुण। ये क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, यह ए के साथ बी जाएगा, ए के साथ बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस बीच में प्लस है तो प्लस और ए इंटू सी, इस प्रगुण को वितरक प्रगुण कहते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और अभ्यास 1 ही का चौथा एंड लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ का पहला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कैंसिल आउट कुछ होगा तो कैंसिल कर देते हैं, 9 से 18, 2 times 9 2 जा 18, 5 से 2 times 5 2 जा 10 एंड 2 से 3 times 3 6 एंड 3 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, अंश में देखिए क्या बच रहा है, ये 2 बचा तो 2 आएगा, उसके बाद माइनस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल -5 है यानी ऑड नंबर है 5, तो क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा माइनस में -2, यह आंसर आ जाएगा।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सेकेंड क्वेश्चन, और ये अभ्यास 1E का लास्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं, तो कैंसिल आउट कीजिए, 4 से क्या जाएगा, 4 5 जा 20, एंड 3 से 3 3 जा 9, और कोई कैंसिल आउट नहीं होगा। जो बचा है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस काउंट करते हैं, कितने माइनस हैं, 1 2 3 4, 4 माइनस, इसका मतलब इवन नंबर। इवन नंबर जब माइनस आता है तो आंसर पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में आएगा, तो आंसर प्लस में हो गया। और उसके बाद जो अंश में नंबर बचते हैं उसको लिख लेते हैं, तो 6 नंबर, 6 डिवाइड बाई हर में 3 5 एंड 5, ये 3 नंबर बचते हैं, तो तीनों को लिख लीजिए, 3 5 और 5, ये आ जाएगा। अब इसको देखिए, 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स में, तो 2 आ जाएगा अंश में, और 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 2 बाई 25, ये आंसर आ जाएगा। आप लोग इन सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।